आइए भक्तों, मैं आपको सावन के महीने में शिव पुराण की कथा सुनाती हूँ। शिव पुराण का तीसरा अध्याय, बिंदु ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य वेताओं के में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वस्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पुण्यता अनजान हैं कि ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी बुरे स्वभाव की, स्वेचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सदव्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वस्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश से भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विद पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर परम पुरुषों का संग करने लगी थी। सतिया वृत्ति विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती थी। यही तो तप है। तप कठिन तो होता ही है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग में किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह के यंत्र देते हैं। वे उससे कामांगों को तप्त लोहे दंडों से
दागते हैं, तप्त लोहे में पुरुष से उसका संरक्षण कराते हैं। ये सारे दंड इतने वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर करता है कि अब व्यय ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कुकर्म कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इसे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर भी सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी के साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध ले जाएंगे, तब नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे। तब मैं कैसे उन माताएं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरफ से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला पर का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक जी इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्ण उठाया। हर हर महादेव।